तो हेलो गाइस, कैसे हो। एक और लैगफिक्स की वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस, इस बार हम जो लैगफिक्स करने हैं वो 3 स्टेप पे करेंगे, जैसे कि हाई एंड पीसी हो गया, लो एंड हो गया और मिड एंड हो गया अपना। ठीक है, तो लो एंड की बात हम सबसे आखिर में करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैटेगरी पड़ता है, बिना जीपीयू और जो जीपीयू रहता है उनको। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी आता है, तो इसलिए हम सबसे पहले हाई एंड पीसी का कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। जिनके पास हाई एंड पीसी है फिर भी लैग कर रहा है, तो उनका कुछ हम सेटिंग्स देख लेते हैं। और गाइज, हाँ, डिटेल्ड जो वीडियो होगा गाइज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपको गूगल पे चले जाना है, सिंपल इधर पे सर्च करना है ZIMOTDM। ठीक है, जीमो टी डी एम सर्च करना, सबसे TDM सर्च करना गाइज। ठीक है, पहला यूट्यूब चैनल आएगा, इसको आपके अंदर जाना है गाइज। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस चैनल को। बाकी आपको वीडियो वाले ऑप्शन में चला जाना है। जाने के बाद गाइस आपको इधर पे देखेगा 11 डेज एगो एक वीडियो छोड़ा था मैंने। ठीक है, टोटल 25 मिनट 26 मिनट का एक वीडियो है, इसको आप देख लेना गाइस। इसमें मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई, विंडोज़ से लेकर गेम लूप तक हर एक सेटिंग्स मैंने डिटेल में बताई इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप देख लेना गाइस ज़रूर से। बाकी हम इस बार बात करते हैं, सबसे पहले हाई एंड पीसी के सबसे सेटिंग्स चला जाना है, और जो सबसे पहले चेकिंग फॉर अपडेट कर लेना है, सबको कर लेना। हाई एंड मीडियम लो एंड कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपडेट कर लेना है। और अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो मैंने अपडेट का डिटेल 2 वीडियो छोड़ा था, 2 अपडेट आया था पर 2 दिन के बाद बाद, तो उसका भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। सबसे पहले चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है, मेरा वर्सन लेटेस्ट है। आपको भी अगर ऐसा हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आप एक स्टेप आ चुके हो लैग फिक्स के अंदर। उसके बाद फिर से सेटिंग्स के चले जाना है, सेटिंग्स के अंदर इधर पे दोस्तों हाई एंड लो एंड कोई भी पीसी इधर पे 5ों को अनचेक रखना है गाइज। ठीक है, कंट्री आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे मैं इंडिया से इसलिए इंडिया रखा हूँ। अगर आपका कंट्री इधर पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान रखना, ना बांग्लादेश तो शो नहीं होता, तो बांग्लादेश जो बालो है उसको UK कर लेना इधर पर। ठीक है, तो अगर आपका कंट्री शो होता है तो आप सिंपली रख सकते हो। उसका चले जाना इंजिन के अंदर गाइज। इंजिन में अगर आपको वैसे हाई एंड पीसी है गाइज तो आपको रखना है OpenGL। ठीक है, इधर 5ों को चेक रखना है गाइज आपको। ठीक है, अगर आपके पास हाई एंड पीसी होगा, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर है तब भी आप इसको चेक रखना है। बाकी अगर हाई हार्ट वाला मॉनिटर नहीं है तब भी इसको आपको चेक रखना है। मेन जो मुद्दे 5ों को चेक रखना है, हाई एंड वालों को, और इधर पर OpenGL रखना है। ठीक है, एंटीलिशिंग तो है इसको दोस्तों अल्ट्रा रखना है। ठीक है, मेमोरी दोस्तों आपको फुल मैक्स दे देनी है। प्रोसेसर दोस्तों इधर पे दोस्तों अगर आपके पास अबव 8 कोर वाला CPU है तब आपको 8 देना है, वरना आप ऑटोमेटिक छोड़ सकते हो। रेजोल्यूशन गाइज आपको रखना है इधर पर 1080p। ठीक है, DPI दोस्तों आपकी मर्जी, आप जिस DPI पे खेलना चाहते हो आपकी रूप ऊपर है। चैनल दोस्तों ऑडियो चैनल जो है डायरेक्ट साउंड रखना है आपको। ठीक है, मॉडल पे दोस्तों आसूस रॉक 2 रखना है आपको। गेम पे चले जाना आपको दोस्तों रखना है इधर पे HD 720p, ग्राफिक्स क्वालिटी स्मूथ और IPS 90। अगर आपके पास 1060 या फिर 2030 60 3050 जैसे ग्राफिक्स कार्ड है इधर पे आप 2K के साथ जा सकते हो। तो बेसिकली हाई एंड वालों को जो सेटिंग्स है गाइज ये रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसको सेव कर देना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं गाइज जो है मिड एंड वाला कंप्यूटर। उसके लिए सबसे पहले आपको चेकिंग फॉर अपडेट चले जाना है, अपडेट चेक कर लेना है, सेटिंग्स पे चला जाना है। बेसिक पे दोस्तों आपको मिड एंड वालों के लिए दोस्तों इधर पे हर चीज ऑन चेक रखना है। कंट्री तो मैंने आपको पहले ही बोल चुका है। इंजन दोस्तों इधर पे दोस्तों अगर आपके पास मिड एंड सिस्टम है, यानी कि एक ठीक ठाक GPU CPU का कम्बिनेशन है, ठीक है, तब आप OpenGL ट्राई करो एक बार, ऑटो ट्राई करो। डायरेक्ट एक्स दोस्तों क्या होता है कि GPU मतलब जो CPU होता है ना, और जो दोस्तों जो कॉम्पिटेटिव गेम है, सब सब गेम दोस्तों CPU पे चलता है। आपका CPU जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको FPS निकल के देगा। तो गाइज आपको एक बार ऑटो ट्राई करना है, OpenGL ट्राई करना है। ठीक है, आपको देखने किस में अच्छा चल रहा है। अगर आपके पास OpenGL अच्छा चल रहा है तब OpenGL रखिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑटो पर रखो तो आपको स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगा। हालांकि इस बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना चुकी है, तो इधर डिस्क्रिप्शन पर आपको शो होगा, तो उसको देख लेना एक बार। ठीक है, और दोस्तों जो मिड एंड वाला कंप्यूटर है इधर पे दोस्तों 5ों को चेक रखना है आपको, इन दोनों को अनचेक रख देना है। ठीक है गाइज, ठीक है, अगर आपके पास मिड एंड सिस्टम है इधर 5ों को चेक रखना है, इन दोनों को अनचेक रखना है। एंटीलिशिंग दोस्तों आपको ऑफ रखना है। मेमोरी दोस्तों आपको इधर पे मिड एंड का तो गाइज 8 GB के ऊपर ही रैम होगा, अगर 8 GB है तब भी आपको 8 GB दे देना है। प्रोसेसर दोस्तों आपको इधर पे 4 कोर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो मिड एंड वाला कंप्यूटर है इधर पे दोस्तों 4 कोर सिलेक्ट करना है गाइज। रेजोल्यूशन गाइज आप 720p या फिर 1080p दोनों के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इधर पे गाइज आप 720 रखो रेजोल्यूशन। ठीक है, डीपे दोस्तों आपके ऊपर, और जो ऑडियो चैनल है गाइज डायरेक्शन, मॉडल दोस्तों आसूस रॉक 2। गेम दोस्तों आपको जो मिड एंड वाला कंप्यूटर है गाइज उन लोगों के लिए गाइज HD 720p इज द बेस्ट गाइज। इधर पे HD रखना है और 90 रखना है गाइज। ठीक है, अगर आप 90 FPS खेलना चाहते हो, बाकी 90 FPS नहीं खेलना चाहते हो तो गाइज आप 60 कर सकते हो उधर से। और इसको गाइज हमेशा HD रखना और इसको 90 रखना, ठीक है, ताकि आपका GPU ऊपर लोड आए और गेम अच्छा चले ज़्यादा। ठीक है, इसको बस सेव कर देना है।
तो गाइज अब बताते हैं फाइनली जो लो एंड वाला कंप्यूटर है उन लोगों के ऊपर। सेटिंग पे चले जाना है, इधर पे दोस्तों पाँचों कंचे रखना है, ठीक है। ये सब तो मैंने पहले ही बोल चुका है। इंजन दोस्तों लो एंड वाला जो भी कंप्यूटर देख रहे हो ऑटो रखना गाइज। इधर ओपन जीएल डायरेक्ट टास्क की एक्स की तरफ देखना ही मत गाइज, ऑटो पे रखना। इधर पाँचों को चेक रखना गाइज, ठीक है। अगर आप लो एंड पीसी हो 90 पे ट्राई कर रहे हो गाइज तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। 90 पे गाइज आपका लैग होगा। हालांकि आप सिर्फ अगर गेम लूप चलाते हो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, कोई डिस्कॉर्ड नहीं चलता, तब आप 90 पे ट्राई करो। लेकिन अगर आप डिस्कॉर्ड भी चलता है, रिकॉर्डिंग भी चलता है गाइज, ठीक है, तो उस केस में गाइज 90 पे मत ही खेलो, ठीक है। और मेन जो वीडियो गाइज उसको आपको जरूर देख लें, जो 25 मिनट का वीडियो उसको जरूर देख लें। इधर पाँचों को अनचेक, मतलब इन दोनों को अनचेक रखना है। एंटीलिशिंग दोस्तों आपको ऑफ रखना है लो एंड वालों के लिए। अगर लो एंड भाई जिसके पास जीपीयू नहीं है इसको एक बार अनचेक करके देखो, अगर अच्छा चल रहा है, एफपीएस ज़्यादा मिल रहा है तो उसको अनचेक ही रखो। अगर जिसके पास जीपीयू है नहीं भी है, अगर इसको अनचेक करने के बाद आपको लैग देखने को मिल रहा है तो गाइज इसको चेक रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेमोरी, दोस्तों मेरे पास 12 GB इंस्टॉल है, मैंने इसलिए 8 GB दे दिया, ठीक है। अगर आपके पास अगर लो एंड सिस्टम है तो आपको दोस्तों ऑटोमेटिक दे देना है, ठीक है। प्रोसेसर भी दोस्तों ऑटोमेटिक दे देना है। रेजोल्यूशन दोस्तों सबसे लोएस्ट वाला 1024x576 पे खेलना है आपको, ठीक है। डीपीआई दोस्तों 240 के ऊपर मत जाओ, तब भी आपको इस डिस्प्ले पे सिंक जो देखने को मिलेगा, ठीक है ना गाइस। ऑडियो दोस्तों डायरेक्ट साउंड रखना है आपको। मॉडल दोस्तों आसुस रॉक 2। गेम पे दोस्तों आपको रखना है SD720p। डिस्प्ले क्वालिटी रखना है आपको स्मूथ, और इप पे दोस्तों रखना है 60, ठीक है। इसी को सेव कर देना है और इधर से पबजी को ओपन कर लेना है, ठीक है गाइस। ओपन करने के बाद इसको कर देना क्लोज और हम सीधे चलते हैं गेम के अंदर। जब आप गेम ओपन करोगे गाइस, मैंने FPS भी ऑन कर लिया, इधर देख सकते हो मेरा लो एंड सिस्टम है फिर भी आप FPS देख सकते हो, ठीक है। आप हालांकि मेरा गेम प्ले वगैरह देख चुके होंगे, उसमें डिस्कॉर्ड भी चलता है, साथ साथ मैं गेम प्ले भी छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आइडिया लगा सकते हो गाइस किस सेटिंग में क्या फ़र्क निकल के आएगा, ठीक है। और टास्क मैनेजर ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देख सकते हो गाइस जीपीयू जो मेरा सीपीयू ले रहा है 25% और जीपीयू ले रहा है 10%, ठीक है गाइस। यही फ़र्क होता है गाइस एक हाई एंड लो एंड सिस्टम में। अगर आपके पास एक हाई एंड सिस्टम होता, अच्छा सिस्टम होता, तो इधर जीपीयू ज़्यादा यूज़ होता गाइस, ठीक है। फिर भी 10% हो रहा है, लेकिन आप अगर आपके पास अच्छा सिस्टम होता तो इधर पर 19% जाता, ठीक है। जब आप गेम ओपन कर लोगे तो आपको नीचे आना थोड़ा, इधर पे देखिएगा दोस्तों गेम 32 बिट चला ऑन रहेगा। हर हाँ गाइज आपको 32 बिट डाउनलोड कर रहा है, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पे, आप इसे एक बार जरूर चेकआउट करना। तो इसको दोस्तों क्लोज कर देना है, ठीक है। ऊपर वाले को मत करना, नीचे जो गेम लूप होगा उसको क्लोज करना और देख लेना। और ये जो SYZSDLL चल रहा है इसको भी क्लोज कर देना है, ठीक है गाइज। अभी गाइज मेन जो बात, आपके अगर आपके पास हाई एंड लो एंड कुछ भी है तो आपको सेटिंग्स क्या रखनी है। देखो अगर आपके पास हाई एंड सिस्टम है या फिर मिड एंड सिस्टम है तो आप इधर HDR हाई एंड वालों को बता देते हो, HDR एक्सट्रीम पे खेल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लो एंड वाला मिड एंड वाला सिस्टम है गाइज उसको मैं रिकमेंड करूँगा स्मूथ 90 पे खेलो, स्मूथ 90 पे खेलो गाइज, ठीक है। तब तो बढ़िया मिलेगा। अगर आपके पास एक 60 Hz का डिस्प्ले तो गाइज आप एक्सट्रीम के साथ जाओ, ठीक है। तब आपके FPS जो 60 आएगा अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइज। क्योंकि बेसिकली जो लो एंड डिवाइस होती है उनके पास एक बेसिक डिस्प्ले लगा रहता है जो जो कि 60 Hz का होता है। अगर आपके पास 60 Hz की ऊपर वाला मोनिटर है तो उसको आपको 90 चेक करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक 60 Hz वाला मोनिटर है तब आपको एक्सट्रीम रखना है इसी तरह, ठीक है। लॉबी कॉम्बैक दोनों में तो फिलहाल मैं 90 पे खेलता हूँ, ठीक है। कलरफुल रखना है आपको गाइस, कलर जो ग्राफिक्स क्वालिटी एटलीस्ट दोस्तों ऑफ। अगर आपके पास हाई एंड सिस्टम है तो आप इधर पे दोस्तों 4x कर सकते हो, बाकी अगर आपके पास मीडियम लो एंड सिस्टम है तो आप क्लोज रखना, ठीक है गाइस। और जो ऑटो जो ग्राफिक्स इसको दोस्तों डिसेबल रखना है, ठीक है। और जो बोनस टिप है गाइस एक दूंगा वीडियो को भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। उसको दोस्तों सेव कर देना है, ठीक है। छोटा कर लेता हूँ। टास्क मैनेजर चले जाना आपको इस, ठीक है। टास्क मैनेजर पे जाने के बाद आपको चले जाना परफॉर्मेंस के अंदर। इधर पे दोस्तों आपको एक चीज़ देगा वर्चुअलाइजेशन, अगर आपको एक चीज़ चेक करना है इनेबल है या नहीं है। देख लो गाइस मेरे 4 कोर 4 थ्रेड वाला CPU है, ठीक है। तो आपको देखना है गाइस इनेबल है या नहीं है। अगर आपके पास डिसेबल है तो गाइस आप जल्दी से जल्दी उसको इनेबल करो। कैसे इनेबल करना है वो भी बता देता हूँ। मदरबोर्ड का जो नाम है उसको यूट्यूब पर सर्च करके लिखना, हाउ टू इनेबल XYZ मदरबोर्ड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। XY मत लिख देना, XY मतलब आपका मदरबोर्ड का ब्रांड नेम मॉडल नंबर हो गया, ठीक है। इसको दोस्तों इनेबल करने के बाद आपको दोस्तों परफॉर्मेंस में दोस्तों 30 से 50% बूस्ट देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लोज फिलहाल और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेन वीडियो गाइस उसको ज़रूर देखना गाइस, बाकी इस वीडियो में मैं दिखाता तो बहुत लंबा हो जाता। तो मिलते हैं किसी और दिन गाइस और वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाई, ठीक है। और गाइस चैनल को जाते जाते एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो गुड बाय, चलिए मिलते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना आपका लैग फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है गाइस। तो गुड बाय।